ओपनिंग पे टेप ही नहीं लगाई इन महाशय लोगों ने, प्यारा सा बॉक्स जो भी है, तो मतलब समथिंग लाइक बहुत दिमाग लगाया इसकी पैकेजिंग में उन लोगों ने। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन माय चैनल रोडियम। मेरा नाम शुभम है, मैं बहुत बढ़िया हूँ, विश करता हूँ आप भी बहुत ही अच्छे होंगे। रात के बज रहे 3 और ये एक अलग सी वीडियो है इस चैनल पे। इस तरह की वीडियो अभी तक मैंने डाली नहीं, इट इज अ प्रॉपर व्लॉगिंग वीडियो। आज मोटो व्लॉग वगैरह सब होगा, ऑफकोर्स रात को 3 बजे मैं नहीं जा रहा, रात को 3 बजे मैं कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग। लास्ट वीडियो में यार लाइट के कारण बहुत गंदा वीडियो आया था वो, आई नो दैट, बट कोई नहीं, इस वीडियो से वो चीजें फिक्स हो जाएंगी और अपना पाइल ऑफ प्रोडक्ट्स घटते घटते थोड़ा घट चुका है। मैंने अभी तक जो नया वाला पेडॉक है उसे बाइक पर नहीं लगाया, शायद सुबह माउंट करूं, जो भी होगा रिकॉर्ड तो करूंगा ही जब भी माउंट करूं। कैसे माउंट करना है, कैसे चेन क्लीन करना है, उस पर वीडियो आएगी। और कल मैं जा रहा हूं एक संडे राइड पे, कल संडे है, टुडे इज 7th, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो नहीं हो, क्योंकि आप किसी ना किसी को कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखाते जरूर हो। एवरी वन इज अ टीचर एंड एवरी वन इज अ स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट्स इधर में मैंने रखे हुए हैं, फ्रेम में नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। इधर में कुछ नए प्रोडक्ट्स मैंने रखे हुए हैं जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और सबसे पहला प्रोडक्ट होने वाला है ये, जो कि ऑफकोर्स मैंने मंगवाया है अमेजोन से, और ये आता है रस्ट बॉक्स, रस्ट्रियॉन की तरफ से। और भाई साहब ये इसकी पैकेजिंग देख करके मुझे ऐसी हंसी आई, देख रहे हो टेप लगा हुआ है पूरे बॉक्स में, बट ये बॉक्स खुलता कैसे? ओपनिंग पे टेप ही नहीं लगाई इन महाशय लोगों ने, क्या बोल सकते हैं। चलो कोई नहीं, ये खुलता है और अंदर में आता है ये प्यारा सा बॉक्स, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट इज गोना बी स्पेशल और इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। मैंने पास्ट एक अभी रीसेंट जो वीडियोस बनाई थी उनमें ही मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इस बॉक्स में जितनी भी चीजें हैं उन सब की, बॉक्स में क्या क्या है वो देखते हैं। सो ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, इस फोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट देर आर मल्टीपल आइटम्स इन दैट, इन दिस बॉक्स, डिफरेंट थिंग्स, सब ब्लैक ब्लैक में है और प्लास्टिक में है, तो अभी दिख नहीं रहे हैं लाइट के कारण, बट कोई नहीं, एक एक करके खोल करके इन्हें दिखाता हूं। पहला आता है ये। सो ये जब आप एक्शन कैमरा को लेकर के अंडर वाटर डाइव करते हो या रिकॉर्ड करते हो तो उसमें ये यूज होता है, क्योंकि ये जो पीला सा पार्ट है ना ये एक्चुअली सील्ड है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाता है, एंड दैट्स वाई इसे पानी के अंदर यूज किया जाता है, जिससे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी तो आपका एक्शन कैमरा फ्लोट करते हुए ऊपर आ सके। सेकंड प्रोडक्ट आता है ये, जो कि ऑफकोर्स एक छोटा सा गोरिल्ला माउंट है या गोरिल्ला पॉड, ओ एंड इट इज रोटेटेबल टू। चलो यार अगर शॉर्ट्स रिकॉर्ड करूंगा तो उसमें बहुत काम आने वाला है ये मेरा। ये विच इज अ टैग, जो कि GoPro को सिक्योर करने में यूज किया जाता है, एक्शन कैमरा को सिक्योर करने में यूज किया जाता है, जब आप किसी ऐसे चीज पे जा रहे हो जहां पर कि एक्शन कैमरा मिसिंग हो सकता है या गुम सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अंडर वाटर जा रहे हो, आपने एक माउंट यूज किया हुआ है तो उस पर इसको भी लगा दो तो फॉर एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये इस तरह का टैग आता है और इट इज कॉट 3M टेप 2। इसे इसमें लगा करके अगर इसे टैग में एक तरफ और दूसरे तरफ किसी और चीज में लगा दे तो GoPro चिपका रहे, दूसरे साइड एक साइड एक्शन कैमरा पे एक साइड टैग पे लगाएंगे तो टैग चिपका रहेगा और इसके बाद फिर इसके थ्रू हम इसे बांध लें। फिर आता है ये, खोल करके दिखाता हूँ, प्लास्टिक में तो समझ में आएगा नहीं, विच इज अ रिस्ट बैंड और रिस्ट माउंट, जो भी बोलना है दोनों में से बोल लो। उसके बाद आता है ये, विच इज अ चेस्ट माउंट, इसे क्या है,
इस तरह से। अरे भाई साहब उस माइक ना गिर जाए। जो भी है तो मतलब समथिंग लाइक, अभी पूरा पहन करके नहीं दिखाऊंगा बट बेसिकली इसी तरह से पहना जाता है एंड ये इधर में आ जाता है, फिर यहाँ पे गोप्रो आपका अटैच हो जाता है फॉर एफओवी शॉट्स, गुड एफओवी शॉट्स। फिर आता है भाई साहब ये है, अच्छा रिस्ट माउंट ये है, ओके ये है रिस्ट माउंट। तो वो क्या है वो मुझे चेक करना पड़ेगा भाई। ये रिस्ट पे आ गया और अब आपका एक्शन कैमरा इधर लग गया, अब जो भी मैं करूंगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा अंडर वाटर वगैरह जाने के लिए, इसकी ज्यादा काम नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद आता है ये सक्शन कप के थ्रू आपका एक्शन कैमरा कहीं पर भी अटैच हो सके उसके लिए। खोल के दिखाता हूँ, ये इस तरह का जो लोग कार में व्लॉग वगैरह करते हैं उनके लिए स्पेसिफिकली काम की चीज़ है, अपने काम की चीज़ फिलहाल नहीं है। तो उसके बाद आते हैं ये कुछ पैकिंग्स, इनका पर्पस मुझे नहीं पता अभी तक, देखूंगा इन फ्यूचर। और यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे हैंडल बार माउंट आते हैं विद सम एक्स्ट्रा पिंस, और कई तरह की चीज़ें। ये है हैंडल बार माउंट, ये एक आता है जे माउंट, ये कुछ गोप्रो लगाने के लिए गोप्रो के माउंट्स। उसके अलावा ये क्लिप जो कि मैं कहीं पर भी अटैच करके कैमरा माउंट कर सकूं इस पे, तो ये मुझे विंडशील्ड के ऊपर में माउंट करके काम रिकॉर्ड करने में काम आ सकता है। उसके बाद आता है ये सेल्फी स्टिक विच इज अ गुड वन, कम मिलता है कंपेयर टू जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, लाइक जो मैं स्टार्टिंग में वीडियो के यूज करता हूँ। उसके अलावा ये आता है ये यूनिवर्सल माउंट एक्शन कैमरा का, फिर ये एच माउंट एक्शन कैमरा का, फिर ये आता है, ये देखिए क्या है, ये हेड माउंट है ताकि मैं कैमरा सर पे माउंट करके आप लोगों को रिकॉर्डिंग दिखा सकूं, इट इज गुड। ये तो भाई बहुत काम आने वाला है मेरे। ये एक बैंड है कुछ चीज कुछ सिक्योर करने के लिए, ये किसी तरह की चाबी एंड कुछ तो है, ये मैं श्योर नहीं हूं क्या है। उसके अलावा एक ये मिलता है लंबा सा रॉड, इसको ये कर सकते हैं लाइक गोप्रो कहीं पर जी माउंट यहाँ पे और मेरे को कैमरा इस इधर में चाहिए लाइक उठाने के लिए, तो मैं इसको लगा करके एक ये बना सकता हूँ। तो दैट्स इट, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वैसे हम यूज कर करके देख सकते हैं। अब सब कुछ पैक कर दूं मैं, चलो खैर अभी नहीं, चलो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट छोटा सा है जो कि ये जो कि हमारी पूरी इस अनबॉक्सिंग सीरीज ऑफ वीडियो में सेकेंड प्रोडक्ट है जो कि अभी तक खुला नहीं है। ये प्रोडक्ट है ना बाइक से ना एक्शन कैमरा से, ये प्रोडक्ट है मेरे से रिलेटेड। ये है एक स्लीव जो कि मैं हाथ पे पहनूंगा राइड करते समय, अगर मैं शॉर्ट स्लीव्स वाली टी शर्ट पहनता हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत जल जाती है। उसके अलावा ये है एक बलकलावा जो कि हेलमेट के नीचे मैं पहनूंगा बिकॉज यार पसीने से ना हेलमेट की पैडिंग गंदी हो जाती है एंड बहुत खराब लगता है फिर पहनने में, मतलब ऑयली ऑयली सी हो जाती है और मुझे पसीना बहुत आता है। फिर आता है ये भी कुछ स्पेशल है और अभी तक खुला नहीं है एज आप देख सकते हो। सो ये थर्ड प्रोडक्ट जो कि बिना खुला हुआ मैं आपके सामने खोल रहा हूँ एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, अभी के पहले मैं इस प्रोडक्ट को या इस चीज को कभी यूज नहीं करता था राइड करते हुए। मैंने काफी सारी राइड्स कर ली हैं, मतलब
दो तीन साल से राइड्स करता हूँ और लंबे लंबे डिस्टेंसेस करता हूँ, तो बहुत दिमाग लगाया इसकी पैकेजिंग में उन लोगों ने। तो उसके बाद फिर ये आता है सेकेंड लेयर ऑफ पैकेजिंग, सो इसके अंदर से निकलता है ये जो कि BSDDP के तरफ से है, which is not a branded company, I believe yet, but बाकी डिटेल मेरे को पता नहीं है इस कंपनी के बारे में। मेरे ख्याल से तो ये जेनरिक प्रोडक्ट ही है, बट देखता हूँ यार इसके बारे में पता करके देखता हूँ। इसके अंदर आती हैं ये है नी एंड एल्बो गार्ड्स। बिना नी गार्ड के आज तक बाइक चलाता था, सो फाइनली आई कैन नाउ वेयर एनी गार्ड। और एल्बो गार्ड क्योंकि ऑफकोर्स मैं ऑलवेज जैकेट पहनता हूँ, मतलब मैं मोस्टली राइड पे जैकेट पहनता हूँ लॉन्ग डिस्टेंसेज में या संडे राइड्स में, तो उसके लिए आई डोंट नीड एल्बो गार्ड्स अगर जैकेट पहनता हूँ, और नी गार्ड्स का रिक्वायरमेंट था। सो अपना नी और शिन अब प्रोटेक्टेड रहेंगे राइड्स पे। अच्छा ये जो चेस्ट माउंट दिखा रहा था यहाँ पे एक बकल था, तो ये अपना ऐसे आ गया गले पे। अच्छा से आ गया अपना आर्म इधर से चला गया, और ये बकल घूम करके पीछे से इधर आ गया। अब ये देखो ये एक बढ़िया चेस्ट माउंट हो गया। अब अगर मैं एक्शन कैमरा इधर में फिट कर दूं तो बढ़िया FOV शॉट्स आ जाएंगे। और अभी के लिए एक और चीज़ प्रॉब्लम, मेरी जैकेट बहुत गंदी पड़ी है। अब सीन ये है कि इसकी सारी पैडिंग्स तो मैंने निकाल दी है, रात के 3 बजे अगर मैं जैकेट धोऊंगा सुबह के 7 बजे तक सूखेगा कि नहीं वो मुझे टेस्ट करना है। सो आपसे मिलता हूँ बाद में। भाई सो ये जैकेट सुखाया था मैंने, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा गीला है। आई डोंट थिंक ये 2-3 घंटे में भी सूखेगा। दो फैन के नीचे मैंने सुखा रखा है, देखो क्या होता है।